हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ग्रेविटेशन के चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कैप्लर लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कैप्लर के हमारे तीन नियम होते हैं, देखते हैं तीनों को बारी बारी से। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है, द ऑर्बिट ऑफ एवरी प्लैनेट इज एन एलिप्स अराउंड द सन एंड एट वन ऑफ द टू फोकसी ऑफ द एलिप्स। कहता है कि जो हमारा प्लैनेट होता है उसका क्या होता है, जिस कक्षा में वो रोटेट करते हैं वो क्या होता है, उसका जो शेप होता है वो एक एलिप्स का होता है। और जो सन का पोजीशन होता है, वो सन का पोजीशन कहाँ होता है, इन दोनों लोग जो आपका फोकस होता है, इन दोनों फोकस में से एक फोकस पे क्या होता है, सन का पोजीशन होता है। जैसे देखिए, सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, हमने पढ़ा था बारी बारी से कि अलग अलग मॉडल्स में पढ़ा था। जैसे क्या पढ़ा था हमने, हेलीसेंट्रिक मॉडल में पढ़ा था, ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। तो जिस पाथ पे मूव करते हैं वो पाथ क्या होता है, वो पाथ हमारा होता है इलिप्स के शेप का होता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका सन है और जो आपके प्लैनेट्स मूव करते हैं वो किस शेप में मूव करते हैं, इनका जो पाथ होता है वो किस पाथ का होता है, ये इलिप्स पाथ का होता है। और जब इलिप्स पाथ का होता है तो क्या होता है, जो इसमें सन का पोजीशन होता है वो सन का पोजीशन कहाँ होता है। जैसे आपने जब इलिप्स पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, इसमें दो दो फोकस होता है। तो एक दोनों फोकस में से एक फोकस पे क्या होता है, एक फोकस पे आपका सन का पोजीशन होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक पाथ है और ये ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट का शेप हमारा क्या होगा, ये इलिप्स शेप का होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक्सिस है इसका और यहाँ पे दो फोकस है, एक यहाँ पे है और एक कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन्हीं दोनों में से एक पोजीशन पे क्या होगा, सन का भी पोजीशन होगा। ठीक है, तो इसका नेम दे देते हैं, ये ए बी और ये क्या हो गया, सी डी हो गया। ए बी और क्या हो गया, सी डी हो गया। तो देखिए इसका नेम करते हैं, ये जो ए बी होता है, ए बी जो होता है हमारा क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है, और ये जो सी डी होता है ये क्या होता है, माइनर एक्सिस होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो ओ बी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी। ये जो ओ बी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सेमी ओ बी, सेमी मेयर एक्सिस बोलते हैं। और जो ओ सी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए बी क्या हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, सी डी क्या हो गया, माइनर एक्सिस हो गया। और इसका हाफ लेंगे तो सीधी बात है कि क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, और ओसी लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। याद रखिएगा, इन सारे टर्म को हम क्या करेंगे, आगे जो भी हमारे लॉ आ रहे हैं उन सब में यूज करेंगे। ठीक है, कहता है, केपलर्स फर्स्ट लॉ डज नॉट कॉन्ट्रेडिक्ट कॉपरनिकस मॉडल दैट इज प्लैनेट रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ। ये जो हमारा कॉपरनिकस का क्या था, जो हमारा दिया हुआ था स्टेटमेंट, ऑल प्लैनेट्स मूव्स इन ए सर्कल अराउंड सेंट्रल सन। तो ये क्या होता है, जो सन होता है इसके चारों ओर क्या होता है, हमारे प्लैनेट जो होते हैं मूव करते हैं, इसको ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, यानी इसी को क्या करता है, वो फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ये केपलर के पहले नियम को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, देखिए एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो अगर या आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं, केपलर्स सेकेंड लॉ। तो केपलर्स सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। जैसे देखिए कहता है सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे देखिए क्या करते हैं, मानते हैं कि ये हमारा इस पाथ पे क्या आ रहा है, हमारे सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, एक पोजीशन पे हमारा ये क्या है, सन है। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट पी हो गया। ठीक है, और यहीं से एक और पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, एक पॉइंट पी हो गया, तो हमारा पी टू हो गया। तो P1 से P2 तक जाने में हमें क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मानते हैं कि ये हमारा टाइम क्या लगा, T लग गया। ओके, तो अगर हम T टाइम में P1 से P2 तक जाने में जितना एरिया कवर होगा, जितना एरिया कवर होगा वो किसके बराबर होगा, सेम टाइम,
अगर सेम टाइम P3 से P4 जाने में लगता है और उनका एरिया क्या है, उनका एरिया जो आएगा वो एरिया क्या होगा, इस एरिया के बराबर होगा। जैसे देखिए दोस्तों क्या है, मानते हैं कि P1 से P2 में जाने में 2 सेकंड लगता है, P3 से P4 में जाने में कितना, 4 सेकंड लगता है। तो इन सेम टाइम इंटरवल में जितना वो एरिया कवर करेंगे उस वो एरिया क्या होगा, दोनों में सेम होगा। ठीक है, ये एरिया, ये लॉ यही कहता है। देखिए ध्यान से, द लॉ ज्वाइनिंग ऑफ ए प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि सेम टाइम में जितना एरिया कवर करता है सन, उनका क्या होता है, वो जो एरिया कवर करता है वो एरिया होता है बराबर। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल सेम है। अब इसका एरिया निकालिए, देखिए ये ट्रायंगल शेप का तो नहीं है, तो इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, दोनों क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए यही यहाँ मैंने लिखा है कि डेल्टी P1 से P2 तक आएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा टाइम में चेंजेस आएगा। तो ये इसको हम डेल्टी से लिखेंगे, फिर P3 से P4 के पास जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम में चेंज आएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा और यहाँ पे जो एरिया आएगा, ये दोनों एरिया क्या होगा, ये दोनों एरिया सेम होगा, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कहता है लेट्स पोजिशन ऑफ मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स आर आर एंड पी। देखिए ध्यान, मतलब देखिए यही अब मैंने निकाला है, ठीक है आप इसको कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, अब हम देखते हैं कॉपर का तीसरा नियम देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा नियम देखिए क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड्स। तीसरा नियम क्या है, तीसरे नियम को हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं, यानी कि समय अवधि का नियम। तो कहता है द इक्वल द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ ए प्लान ऑफ ए प्लैनेट ऑफ ए प्लेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। देखिए ध्यान से क्या कहता है, सबसे पहला लाइन, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ प्लेन प्लेन इज, तो क्या है, टाइम पीरियड्स है, यानी कि क्या है, टी है, तो स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। किसके बराबर होगा, जो मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के बराबर होगा। तो देखिए अगर ये एलिप्स है, तो एलिप्स में मानते हैं, इसमें देखते हैं, तो इसका क्या है, इसका मेजर एक्सिस तो ये वाला है और माइनर एक्सिस क्या है, ये वाला है, ये हो गया मेजर एक्सिस और ये हो गया माइनर एक्सिस। ऐसे ही इस बड़े वाले वृत्त, बड़े वाले इसमें देखते हैं, इलिप्स में देखते हैं, तो क्या होगा, इसका भी ये जो होगा ये हो जाएगा मेजर एक्सिस और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका सेमी मेजर एक्सिस का नाम क्या दिया है, हमने आर दिया है। तो अगर छोटे वाले वृत्त में देखेंगे, यानी इसमें छोटे वाले वृत्त में देखेंगे तो ये क्या है, आर है, और बड़े वाले वृत्त में देखेंगे तो ये क्या है, कैपिटल आर है। तो पहले वाले के लिए लिखेंगे तो टी स्क्वायर, देखिए बड़े वाले एलिप्स के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टू द पावर थ्री हो जाएगा, यानी क्यूबिक ऑफ रेडियस हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, नीचे वाले अंदर वाले वृत्त के लिए लिखेंगे तो अंदर वाले वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू R^3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से एकदम याद रखिएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है और आपको हमेशा काम आएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे हमारा जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो हमारा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रूफ में क्या दिया है, हम जानते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ ए प्लेन फोर्स ऑफ ए ग्रेविटेशन शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि जो प्लेन अगर हमारा आसमान में उड़ रहा है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, और जो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो क्या हो रहा है, वो दोनों बैलेंस में रहता है। क्यों बैलेंस में रहता है, देखिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, सोचिए हमारा प्लेन उड़ रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेन तो हमारा नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन हमारा अर्थ के सेंटर में गिर जाएगा, है कि नहीं। दो फोर्सेस होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो भी सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है,
या जो आपका पेरीमीटर होता है उसे इन अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है आपका बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, तो प्लेन को उड़ने के लिए क्या चाहिए, ये दोनों ये बैलेंस होना चाहिए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या, और हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F इज इक्वल टू, हम चाहें तो FC तो आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या कर देंगे, FC कर देंगे। तो देखिए F का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है जी एम एस एम ई बटा आर स्क्वायर होता है। एम ई क्या है, आपका मास ऑफ द अर्थ है, और एम एस क्या होगा, जो भी आपका पार्टिकल होगा जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा उसका मास हो जाएगा, और आर क्या है, आर जो है आपका पृथ्वी का रेडियस है। ठीक है, ऐसे ही देखिए जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा आर होता है। तो भी क्या है, भी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमारा प्लेन मूव कर रहा है, और आर क्या है, आर जो हमारा है अर्थ का रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ देखा है, देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी एफ जो होना चाहिए वो एफ सी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये आपका फोर्स हो गया ग्रेविटेशन, और ये आपका क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो इन दोनों को बराबर करते हैं तो जी एम एस एम ई बटा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। तो एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ है, तो ये वाला एम ई और ये वाला एम ई क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये जो रेडियस है और इस रेडियस को क्या करेंगे हम ये कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या हो गया, पता चल गया। तो क्या हो जाएगा, जी एम एस बटा आर इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो देखिए दोस्तों बेसिक सा फॉर्मूला होता है, एस बराबर क्या होता है, वी टी होता है, वी बराबर निकालेंगे तो एस बाय क्या होता है, टी होता है। ठीक है, तो एस जो हो गया ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ओके, तो देखिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जो प्लेन हमारा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या कर रहा है, सोचिए जो हमारा अर्थ है इसी के अराउंड ना मूव करेगा, जो प्लेन होगा इसी के अराउंड मूव करेगा, इसी के अराउंड मूव करेगा, और कहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो इसी के अराउंड मूव करेगा, तो अगर इसका हम पेरीमीटर देखेंगे तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, टू पाई आर हो जाएगा। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, टू पाई आर हो जाएगा। ठीक है, या जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा प्लेन वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू टू पाई आर हो जाएगा, और नीचे हम टाइम से करेंगे तो नीचे क्या हो गया, टाइम हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि भी का मान, तो हमने भी स्क्वायर का मान निकाला है जी एम एस बटा आर, तो जी एम एस बटा आर बराबर क्या हो गया, टू पाई आर का स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। ठीक है, यानी देखिए ये जो भी स्क्वायर का वैल्यू आया हुआ है ना, जी एम स्क्वायर जी एम एस बटा आर, तो ऐसे ही हम भी बराबर टू पाई आर हो गया, तो भी स्क्वायर करेंगे तो भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी इतना हो जाएगा। ठीक है, अब जी एम इज इक्वल टू निकालेंगे तो आर क्यू बटा फोर पाई स्क्वायर बटा टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ भी स्क्वायर बराबर हमने क्या रखा है, हमने भी बराबर मान निकाल लिया, टू पाई आर बटा टी निकाल लिया। अब हम भी का मान यहाँ रख देंगे, तो भी का मान रख देंगे तो जी एम एस बाई आर तो ऐसे ही रहेगा, और भी के बदले में क्या रखेंगे, भी के बदले में हम ये रख देंगे यहाँ पे, तो इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसी का हम स्क्वायर यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो जी एम एस बटा आर यहाँ पे हो गया, दो का स्क्वायर यहाँ पे चार हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और आर का स्क्वायर आर, मतलब आर का स्क्वायर पहले आर स्क्वायर आएगा और बटा क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये आर है यहाँ बट्टा में है, तो इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो आर स्क्वायर तो पहले से होगा, और ये गो और आर आ गया, तो आर में आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर बट्टा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए फोर जो है वो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, पाई भी आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, जी जो हो गया ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, और जो एम हो गया वो क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया। ओके, तो हम देखेंगे कि जो टाइम पीरियड आ रहा है और जो रेडियस आ रहा है इनका रिलेशन क्या आ रहा है, ये वाला रिलेशन आ रहा है, यानी कि इसका जो स्क्वायर है टाइम पीरियड का स्क्वायर वो आपका रेडियस के क्या हो रहा है, क्यूब के बराबर आ रहा है। तो जो हमारा रेडियस है, रेडियस तो हमारा यही होता था ना, ये जो शेप होता था तो रेडियस तो यही होता था जो सेमी मेजर एक्सिस होता था। ठीक है, यही आपका रेडियस है, तो सेमी मेजर एक्सिस के क्या हो रहा है, क्यूब के वो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले कॉपी कलम निकालिए, इसको आप नोट कीजिए और अपने बुक्स में पढ़िए कि आपके बुक्स में किस तरीके से दिया हुआ है,
और समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं वीडियो को कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड डे।